तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और पीछे में जो गाड़ी लगी है टाटा की अल्ट्रॉस, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में रिव्यू होने वाला है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और आज सेल्फी कैमरा से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा भाई अभी नहीं है, तो इसीलिए खुद से शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो में अगर कुछ भी इधर उधर होता है, स्टेबलाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल मेरे को उसके लिए सॉरी दोस्तों, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज मैंने एजेंसी विजिट नहीं किए हैं क्योंकि मेरे को गाड़ी यहाँ कैंप के पास देखने को मिल गया। और ये जो जिन्होंने ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है वो है JD ऑटोनेशन, जो कि बिलासपुर में है इनका शोरूम। तो वहाँ आप बिल्कुल विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का पूरा डिटेल में दे दूँगा। और यहाँ मैंने बहुत सारे गाड़ी शूट कर लिए हैं ऑलरेडी, चैनल पर आपको वो वीडियोज़ मिल जाएंगे। और चलिए लेट ना करते हुए सीधा चलेंगे गाड़ी को देखते हैं। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं रिव्यू दोस्तों। और जो मॉडल आप देख रहे हैं टाटा अल्ट्रॉस की XZ प्लस मॉडल है, टॉप मॉडल है दोस्तों। तो फ्रंट से बात करेंगे तो फ्रंट में आपको हनीकॉम फैक्टर में ये ग्रिल देखने को मिलता है, और बीच में आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल रही है और नंबर प्लेट लगी हुई है, CG10 की गाड़ी है। लोअर बम्पर की बात करें तो यहाँ आपको अलग से लुक देखने को मिलता है, थोड़ा गैप दिया गया है रेडिएटर के लिए। बात करेंगे इसके हेडलैम्प के बारे में दोस्तों, तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ आपको साइड इंडिकेटर येलो कलर में देखने को मिल रहा है, और यहाँ भी आपको पूरा क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलती है। और ये रेड और ब्लैक की कॉम्बिनेशन में आपको इसका बॉडी आपको रेड कलर में देखने को मिल रहा है, और ये ब्लैक की बीच बीच में टच दी गई है जो कि काफ़ी आकर्षक बनाती है गाड़ी को। और आपको इसमें लोअर में फॉग लैम्प नहीं देखने को मिलते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलता है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है आपको। तो इस तरीके से आप इसका ओवरऑल लुक देख पा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा ये लुक प्रोवाइड करता है। और ये जो गाड़ी है दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो फॉक्सवैगन की पोलो आती है उसको टक्कर देती है, या मान सकते हैं आप कि पोलो का जगह ये पूरा ले चुकी है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और यहाँ बात करेंगे तो इसमें आपको येलो कलर का यहाँ भी आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा नाइट में दिखता है जैसे आप टर्न इंडिकेटर चालू करते हैं तब। और बोनट पे बात करेंगे तो बोनट में आपको थोड़ा सा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसमें आपको डिज़ाइन दिया गया है। और डुअल रेन सेंसिंग वाइपर देखने को मिल जाते हैं, वो कोई बताने वाली बात नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। और वहाँ आपको फास्टैग के लिए बेजिंग दी गई है, देख सकते हैं, वहाँ से स्कैन होकर सीधा पेमेंट हो जाता है जैसे टोल गेट वगैरह में आप पार करते हैं उस कंडीशन पे। सनरूफ वगैरह इसमें आपको देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ आपको इंडिना देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से इसका ओवरऑल रूफ का लुक देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके ORBM के बारे में, तो ORBM में आपको काफ़ी अच्छा क्रोम की फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है इसका लुक। और ये ऑटो एडजस्टेबल और ऑटो फोल्डेबल आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और इसका जो लुक है दोस्तों, क्या ही बताऊँ, आप पर्सनली अगर सामने से गाड़ी को देखते हैं तो एक ही नज़र में आप इस पर फिदा हो जाएंगे, पर्सनली बता रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा मैं इसके टायर साइज़ के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। तो टायर को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देख सकते हैं आप इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं पास कर देता हूँ, देख सकते हैं इसमें आपको कैलिबर वगैरह देखने को मिल रहे हैं। और इसमें आपको गुडियर का टायर देखने को मिलता है जिसका साइज़ है दोस्तों 185/60 का R16 इंच अलॉय व्हील के साथ इसमें आपको टायर देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छा इसमें आपको डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आप इसका लुक देख पा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको साइड की ओर ले चलता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसके डोर हैंडल्स वगैरह कैसे हैं और साइड लुक वगैरह क्या दिया गया है। यहाँ आपको रिपेयर सेंसर देखने को मिल जाता है, आगे मैं बताऊँगा इसको कि कैसे काम करता है ये। बाकी एक बार आप इसका एक्सटीरियर मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आपको ब्लैक की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। नीचे में क्लाइडिंग बार देखने को मिलती है, वो भी कोई स्पेशल फिनिशिंग के साथ नहीं देखने को मिलती है, वही बॉडी कलर में सेम थोड़ा सा डिज़ाइन दिया गया है। और इस तरीके से आप इसका साइड लुक देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ और एक बार आप साइड इसका लुक देख लीजिए कैसे दिखता है आपको ये गाड़ी। तो इस तरीके से आपको ये ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन में गाड़ी देखने को मिल रही है। तो चलिए फाइनली बात करते हैं इसके बैक लुक के बारे में। तो यहाँ आपको इसका जो टर्न इंडिकेटर है, स्प्लिट लुक में आपको इसका टर्न इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। और यहाँ आपको DCA की बैजिंग, जो कि इंजन का सिस्टम है। और यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, इसमें आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। और नीचे आपको स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है यहाँ, और यहाँ आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। और यहाँ आपको अल्ट्रॉस की बैजिंग दी गई है, बीच में टाटा का लोगो दिया गया है दोस्तों। और यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आपको बैक वाइपर दिया गया है, यहाँ आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में दिया गया है। ब्लैक कलर में आपको इसका स्पॉइलर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी शाइनी है दोस्तों, और अभी अभी बारिश हुई है इसीलिए कार पे
छींटे पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा आकर्षक लुक आपको देखने को मिल रहा है। मैं भी भीग ही गया हूँ, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा रिव्यू करने के लिए, तो एक लाइक तो बनता है। तो इस तरीके से इसका डिफॉगर वगैरह आप देख सकते हैं, काफ़ी प्योर ब्लैक में आपको देखने को मिल रही है। हाई माउंट स्टॉप लैंप के ऊपर में आपको कुछ सार्फिन एंटीना वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, बाकी ऐसी सीरीज में वो लग जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं रहता है, वो तो स्टिकर टाइप से रहता है दोस्तों, तो वो बिल्कुल लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका बैक लुक देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक बार, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ और लुक दिखा देता हूँ, फिर सीधा बात करेंगे इसके बैक प्रोफाइल के बारे में, इसके इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। एक बार आप इसका बैक लुक पूरा देख लीजिए, फिर मैं सीधा इंटीरियर की बात करूँगा। तो आप सोचेंगे कि क्या भाई पूरा इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा एकदम मिक्स करके बता रहे हो, तो आप एक बार इसका एक्सटीरियर पूरा बैक लुक देख लीजिए, थोड़ा सा मैं सामने भी दिखा दूंगा, फिर सीधा बात करेंगे इसके इंटीरियर के बारे में। पैसेंजर साइड सीट आपको किस तरीके से देखने को मिलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इंटीरियर कवर करने से पहले यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका जो हैंडल बार है यहाँ देखने को मिल रहा है, और ये जो लुक है दोस्तों आपको स्विफ्ट में भी सेम देखने को मिलती है। स्विफ्ट से ये जनरेशन चला आ रहा है, और सभी गाड़ियों में आपको मतलब जो हैचबैक कार आ रही हैं उसमें आपको ऐसी डोर हैंडल देखने को मिल रहे हैं, मतलब ऊपर में आपको डोर हैंडल दिए गए हैं, और इस तरीके से इसका फिटिंग किया गया है, देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार डोर ओपन कर लेता हूँ और बैक प्रोफाइल देख लेंगे किस टाइप से आपको ये देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा मैं ओपन करता हूँ डोर और देखेंगे किस टाइप से आपको देखने को मिलती है। तो इस टाइप से मैं इसका डोर खोल लिया हूँ दोस्तों, तो डोर इसका आपको 90 डिग्री ओपन देखने को मिल जाता है, देख लीजिए मैं पूरा 90 डिग्री उसको ओपन कर दिया हूँ, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका आपको इंटीरियर देखने को मिल रहा है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये आती है ना तो सेटिस्फाइड करती है बिल्कुल, आप इसके लिए जाइए, देख सकते हैं इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। चलिए डोर के बारे में बात कर लेते हैं इसके, तो यहाँ आपको डुअल टोन फिनिशिंग में दी गई है और सॉफ्ट टच मटेरियल वगैरह यहाँ ऐड किए गए हैं, देख सकते हैं हैंडल बार जो है इसका यहाँ आपको सॉफ्ट टच मटेरियल देखने को मिलते हैं। यहाँ पावर विंडो का कंट्रोल दिया गया है, देख सकते हैं ये, और अभी चालू नहीं है गाड़ी तो ये काम नहीं करेगी। और यहाँ जो इसका डोर हैंडल दिया गया है क्रोम की फिनिशिंग दी गई है यहाँ, और काफ़ी सॉफ्ट लग रही है दोस्तों। और यहाँ आपको स्पीकर की बैजिंग 4 स्पीकर के साथ आती है ये गाड़ी, और इसमें आपको हरमान की स्पीकर देखने को मिलती है, और डुअल टोन आपको ये डोर देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको क्रीम और ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ये गाड़ी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ और देख सकते हैं इसका लुक, और चलिए लेट ना करते हुए मैं सीधा अंदर बैठता हूँ, और फिर अंदर बैठने के बाद आपको बताऊँगा इसका इंटीरियर कैसे आपको देखने को मिलता है। पैसेंजर साइड स्पेस आपको किस टाइप से देखने को मिलते हैं इसको आप देख लीजिए, फिर मैं सीधा इंटीरियर पे बैठ जाऊंगा और पूरा एक एक चीज़ कवर करूंगा। तो इस टाइप से आपको ये देखने को मिलता है दोस्तों, और हेडरेस्ट चारों आपको हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और यहाँ आपको सेंटर में आर्मरेस्ट दिया गया है, और ये इस टाइप से फोल्ड होता है, ये देख सकते हैं इस टाइप से फोल्ड होता है। तो चलिए मैं इसको फिर से सेट कर देता हूँ। पूरा देश टाटा से ही चल रही है, तो उसका बिल्ड क्वालिटी और ये मटेरियल क्वालिटी मैं जज नहीं करूँगा, एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, और बाकी वो चीज़ आप बिल्कुल समझते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि टाटा जो है इंडियन ब्रांड के हिसाब से काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है, बिल्ड क्वालिटी हो चाहे लुक की बात हो। हालांकि पहले जो मॉडल आते थे उसमें आपको लुक नहीं देखने को मिलते थे, बट जैसे ही टाटा ने अपना पूरा सिस्टम चेंज किया है, इतना अच्छा लुक प्रोवाइड करती है, और केबिन वगैरह इतना अच्छा, और स्पेस काफ़ी अच्छा आपको ख़तरनाक स्पेस देखने को मिलता है। टाटा की जो बिल्ड क्वालिटी और लुक, उसके बारे में मैं क्या ही जज करूँगा दोस्तों, आप खुद एक बार देख लीजिए वीडियो और जज कीजिए और कमेंट कीजिए कि किस टाइप से आपको इसका इंटीरियर वगैरह देखने को मिल रहा है। हेडरेस्ट आपको कंफर्टेबल एक नंबर देखने को मिल रहे हैं, सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है, काफ़ी कंफर्टेबल, देखिए सिंगल हैंड से मैं प्रेस कर रहा हूँ पूरा प्रेस हो रहा है, तो आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस टाइप से आपको इसमें प्रीमियमनेस देखने को मिलती है, ठीक है। और चलिए मैं एक बार अंदर बैठ जाता हूँ और फिर देखते हैं किस टाइप से आपको ये देखने को मिलता है। पीछे में आपको वहाँ आपको कुछ सामान होल्ड करने के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है, और बाकी कुछ तो बचा नहीं है पीछे में बताने के लिए। ये जो एसी वेंट है, रियर एसी वेंट, इसमें आपको देखने को मिलता है। तो चलिए फाइनली मैं एक बार इसमें बैठ जाता हूँ पीछे में, और ताकि आपको मैं बता पाऊँ, तो यहाँ आपको 12 वाट का ये चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। यहाँ आपको जो एसी वेंट दिया गया है इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये है फ्रंट आर्मरेस्ट, तो उसको मैं आगे जाके बताऊंगा। तो इस टाइप से इसका इंटीरियर आपको देखने को मिल रहा है। बैक साइड से आपको फ्रंट का लुक किस टाइप से आपको देखने को मिलता है उसको नज़र डाल लीजिए, और वहाँ आपको रीडिंग लाइट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, और ऊपर में आपको IRBM वगैरह दिए गए हैं, तो उसको मैं फ्रंट सीट पे जैसे ही जाऊंगा तो बता दूंगा। और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं ग्रैब हैंडल यहाँ दिया गया है। तो चलिए मैं अब आगे की सीट पे जाता हूँ और
देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है फ्रंट सीट पे, और सीधा देखेंगे ड्राइवर साइड डोर। चलिए क्लोज कर दिया मैंने, और यहाँ आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये रिक्वेस्ट सेंसर तब काम करती है दोस्तों जब इसको आप प्रेस करते हैं तो रिक्वेस्ट जाता है सिस्टम को और फिर वो डोर ओपन हो जाता है। इसमें आपको चाबी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए सीधा मैं ओपन कर लेता हूँ अभी, क्योंकि डेमो पीस ये गाड़ी है और इसको रिव्यू के लिए लाए हैं भैया लोग, तो इसीलिए सब चीज़ ओपन है। देखिए यहाँ आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको ORVM को कंट्रोल कर सकते हैं। पावर एडजस्टेबल और फोल्डेबल इसमें आपको ORVM देखने को मिलते हैं। और यहाँ आपको क्रोम के फिनिशिंग के साथ ये डोर हैंडल्स, और स्पीकर के बारे में पहले ही बता दें, 4 स्पीकर के साथ ये आपको देखने को मिलती है। तो एक बार इंटीरियर आप देख लीजिए, फ्रंट साइड इसका इस टाइप से आपको ये देखने को मिल रहा है, और स्टीयरिंग में सेंटर में टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और काफ़ी अच्छा आपको केबिन प्रोवाइड होता है दोस्तों। इस तरीके से आप इसका इंटीरियर देख पा रहे हैं। और चलिए फ्रंट सीट पे मैं बैठ जाता हूँ, फिर बता दूंगा क्या क्या डिटेल आपको देखने को मिलते हैं। तो फ्रंट सीट पे मैं फाइनली बैठ जाता हूँ दोस्तों, और चलिए मैं फ्रंट सीट पे बैठ गया हूँ। और यहाँ से मैं बता देता हूँ, यहाँ आपको हरमान की बेजिंग के साथ ये टच डिस्प्ले देखने को मिल रही है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा। और केबिन ना बहुत अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती है आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि ये हैचबैक कार है, और टाटा की प्रीमियमनेस का क्या कहना। तो देखिए आप वहाँ आपको डोर हैंडल्स वगैरह सब में क्रोम की फिनिशिंग, और जो एसी वेंट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं उसमें भी क्रोम की फिनिशिंग। यहाँ आपको ग्रे कलर की फिनिशिंग के साथ ही इसका पियानो ब्लैक फिनिश के साथ इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है। IRVM पे नज़र डाल लेते हैं दोस्तों, देख सकते हैं IRVM आपको कुछ इस तरीके से इसमें आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, और फ़ोन से मैं शूट कर रहा हूँ, देख सकते हैं मिरर पे मैं दिख रहा हूँ आपको, तो है ना, फ़ोन से ही शूट करता हूँ दोस्तों। वीडियो क्वालिटी कैसा आता है बिल्कुल बताइएगा, OnePlus का फ़ोन है और उसी से शूट करता हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, बाकी सेटअप वगैरह मैं अपग्रेड करूंगा तब देखेंगे। यहाँ आपको रीडिंग लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ आपको स्पीकर की बेजिंग देखने को मिलती है। इस साइड आपको सनमाइजर देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हैं, और यहाँ आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ आपको वैनिटी मिरर दिया गया है को ड्राइवर साइड। और एयरबैग्स वगैरह के बारे में मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा कि कितने एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आती है, तो उस पर आप बिल्कुल नज़र डाल लीजिए। और देख सकते हैं बीच में टाटा का लोगो और ये हॉर्न वगैरह इसी में सिस्टम आपको दिया गया है, और इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ स्टेयरिंग में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ ये देखने को मिलता है, देख सकते हैं इसका सिलाई दिख रहा होगा। और इस तरीके से यहाँ आपको वाइपर्स और हेडलैम्प के कंट्रोल करने के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल और कॉलिंग के लिए कंट्रोल वगैरह, वॉल्यूम अप एंड डाउन वगैरह का सिस्टम वगैरह दिया गया है, जो कि सभी में बेसिक रहता है। और ये तो टॉप मॉडल है दोस्तों, तो ये सब तो बनता ही है, देख सकते हैं इस तरीके से इसका स्टेयरिंग आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और चलिए इसके मीटर कंसोल के बारे में बात कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको MID स्क्रीन दी गई है, जो कि चाबी अभी मैं नहीं रखा हूँ तो ऑन नहीं किया हूँ गाड़ी को। यहाँ आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है, एनालॉग प्लस डिजिटल इसमें आपको मीटर देखने को मिल रहे हैं। बगल की ओर नज़र डाल लेते हैं, और यहाँ देख सकते हैं इंजन स्टार्ट और ऑफ करने का यहाँ आपको बटन देखने को मिल जाता है। और ये जो गाड़ी है दोस्तों ऑटोमेटिक वेरियंट है, तो देख सकते हैं यहाँ आपको इसका लीवर देखने को मिल जाता है जिसमें इसका सिस्टम दिया गया है, और ये मैनुअल वगैरह नहीं है, ऑटोमेटिक है, इसलिए ऑटोमेटिक में ऐसी सिस्टम दिया रहता है। थोड़ा सा मैं डिस्प्ले के नीचे बात करूंगा, तो यहाँ हैजर्ड लाइट के बीच में स्विच दी गई है, और एसी वेंट जो है इसमें आपको क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। हालांकि ये थोड़ी सी डल कलर में दी गई है जो इसकी क्रोम की फिनिशिंग दी गई है, और काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें आपको एसी वेंट देखने को मिलते हैं, ये इस टाइप से एडजस्टेबल है। और यहाँ आपको अल्ट्रॉस की बेजिंग देखने को मिल जाती है, ग्रे कलर में इसका फ्रंट डैशबोर्ड, ग्रे और क्रीम टाइप से फिनिशिंग में आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ से आप इसका जो एसी वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ आपको 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए स्पेस देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं। कोई भी अगर स्मार्टफोन जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं उसको यहाँ आप रखते हैं तो बिल्कुल कैपेसिटी अच्छा दिया गया है। यहाँ से आप पूरा सिस्टम को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, और सफारी वगैरह मिलती है, उस टाइप से आपको ड्राइविंग मोड वगैरह देखने को, मतलब मोड्स चेंज करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। और काफ़ी गर्मी बढ़ गया है दोस्तों, अंदर में बैठा हूँ तो पसीने आ रहे हैं, जल्दी से कवर करता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका फ्रंट डैशबोर्ड देखने को मिल रहा है, और कुछ भी पॉइंट अगर छूट गया होगा तो बिल्कुल आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा।
और स्टेयरिंग वगैरह सब चीज़ तो मैं बता ही दिया। और यहाँ आपको ग्रैब हैंडल वगैरह देखने को मिलते हैं, देख सकते हैं वहाँ आपको ग्रैब हैंडल वगैरह दिए गए हैं। डुअल टोन इसका इंटीरियर देखने को मिलता है, नीचे जो लुक है क्रीम और ब्लैक की फिनिशिंग के साथ, ऊपर भी आपको जो रूफ मिलती है क्रीम कलर की फिनिशिंग के साथ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से इसका लुक आप देख पा रहे हैं। और डैशबोर्ड देख सकते हैं काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और हार्ड प्लास्टिक ये इसमें आपको यूज़ किया गया है। जो इसके सीट्स हैं दोस्तों एडजस्टेबल सीट्स हैं, मैनुअल एडजस्ट होते हैं, आगे पीछे आप उसको कर सकते हैं। तो इस टाइप से एक बार मैं फ्रंट से बैक का लुक दिखा देता हूं किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको फ्रंट से बैक का लुक देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा केबिन आपको प्रोवाइड होता है। पीछे में भी आप तीन लोग आसानी से बैठ सकते हैं, अगर ज़्यादा ही हैवी हैं तब उस कंडीशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी हैच बैक के हिसाब से काफ़ी अच्छा, एकदम ही ज़्यादा स्पेस आपको प्रोवाइड होता है। तो इस वीडियो में मैंने जहाँ तक हो सका पॉसिबल हुआ कवर करने का कोशिश किया है। अगर कुछ भी पॉइंट अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी पॉइंट अगर छूट गया होगा तो उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। क्योंकि मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सब चीज़ एकदम राइट टू राइट एकदम एक्यूरेट बता पाऊँ। हालाँकि मैंने बहुत कोशिश किया है और मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी पॉइंट छूटा होगा, और कुछ छूट भी गया होगा तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको आंसर। तो लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए, व्यूज़ नहीं आ रहे हैं व्यूज़ बढ़ाइए दोस्तों। बहुत मुश्किल से आज शूट कर पाया हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी, कंटिन्यू बारिश, फिर उसके बाद फिर धूप, फिर बारिश, और फाइनली अभी गर्मी लग रहा है, कपड़े भीगे हुए हैं और गर्मी लग रहा है। तो ठीक है, इस तरीके से आपको इसका लुक देखने को मिल जाता है। और चलिए इस तरीके से इसका रिव्यू कम्प्लीट होता है दोस्तों, मैं डोर वगैरह क्लोज कर देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा, और कुछ भी अगर मेरे को सुधार करने की ज़रूरत होगी वीडियो में तो उसको कमेंट कर दीजिएगा कि भाई आपने ये मिस्टेक किया, तो उसको मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए।